दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सिंपल चीजों के साइड इफेक्ट आपके लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं? नया घर बनाते समय आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ईंट अच्छी है और कौन सी खराब है? एक ऐसा देश जहां लोग मक्खियों के कारण अंधे हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच एज का गैप कितना होना चाहिए, अदरवाइज अत्यधिक खतरा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे वाओ। दोस्तों, आम लोगों को अपनी डेली नीड के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिनमें से एक है ईंट। लेकिन जब आप ईंटों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है घर बनाना। लेकिन कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि कौन सी ईंट बेहतर है और कौन सी खराब। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर हमारे जीवन में एक बहुत ही नेसेसरी चीज है। तो चलिए जानते हैं। क्वालिटी की दृष्टि से ईंटें 5 प्रकार की होती है। अच्छी ईंट का रंग गहरा लाल तांबे जैसा होगा और रंग में एक रूपता होगी। ईंट को दूसरी ईंट से मारने पर मेटालिक साउंड निकलेगी। इसके अलावा यदि ईंट अच्छी है तो नेल्स या चाकू से उस पर नॉर्मल कट लगाने से कोई निशान नहीं पड़ेगा। यदि दो ईंटों को टी आकार में पकड़कर 2 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए और वे ना टूटे तो ईंट अच्छी है। और अगर ईंट टुकड़ों में टूटी हुई है और टुकड़ों का रंग एक जैसा है तो समझ ले कि ईंट अच्छी है। यदि कोई ईंट किसी बर्तन में भीगी हुई है और बुलबुले के साथ बहुत सारा पानी सोख लेती है और पानी क्लाउडी है तो ये अच्छी ईंट नहीं है। याद रखें, पानी में भिगोने पर एक अच्छी क्वालिटी ईंट का वॉल्यूम नहीं बदलता है। यदि ईंट के किनारे और कोने स्मूथ एंड शार्प हो तो समझ ले कि ये एक गुड क्वालिटी ईंट है। साथ ही अच्छी ईंटों का वजन 3.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ईंटें खरीदते समय इन सभी बातों का ध्यान रखने से आपको अच्छी ईंटों की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसी बॉडी आपके दिमाग में है वो हकीकत में तब तक नहीं बनती जब तक आप उस पर मेहनत नहीं शुरू करते थे। जब तक आपकी नींद, डाइट और आराम सही मात्रा में है, एक दिन में 1 घंटे की वर्कआउट ओवर ट्रेनिंग नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। मेहनत करना शुरू कीजिए, इससे ही आपका फिट बॉडी का सपना सच हो सकता है। एक्सरसाइज के बाद होने वाला दर्द लंबे समय तक बिस्तर पर लेटने के बाद महसूस होने वाले दर्द से बेहतर होता है। यह सच है कि लोग सांप के काटने से उसके जहर से कम बल्कि उसकी दहशत से अधिक मरते हैं। यह भी सच है कि किंग कोबरा सबसे जहरीले सांपों में से एक होते हैं। किंग कोबरा के बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि वे दूसरे जानवरों को खाते ही हैं और वे दूसरे किंग कोबरा को भी खा जाते हैं। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप किंग कोबरा का फेवरेट भोजन है। आप में से कितने लोग ये जानते थे, कमेंट करें। क्या किंग कोबरा इंसान से तेज भाग सकता है? उसकी फुर्ती देखकर लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है। किंग कोबरा अन्य सांपों की तुलना में काफी लंबा जीते हैं। उनकी उम्र करीब 20 साल होती है। दूसरे रेप्टाइल्स की तुलना में उन्हें सूखे, भोजन की कमी और अन्य नेचुरल डिजास्टर में कम नुकसान होता है। वे काफी लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं और उन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। किंग कोबरा को दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक माना जाता है। इसकी भागने की रफ्तार 3.33 मीटर प्रति सेकेंड है। रोचक बात तो यह है कि ये कभी इंसान का पीछा नहीं करते हैं। किंग कोबरा की खास बात उसकी एजिलिटी में है, जो उसे अट्रैक्टिव होने के साथ ही खतरनाक भी बनाती है। वे ऊंचे नीचे रास्तों में तेजी से आ जा सकते हैं और ये पेड़ों पर तेजी से चढ़ते हैं। किंग कोबरा ऊंचाई पर चढ़ने में तो ये इंसान तक को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, इंडियन रेल की शुरुआत हुए 170 साल हो गए हैं। पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.75 करोड़ है। अमेजिंग। दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदिवासी गांव पाए जाते हैं, लेकिन अब एक ऐसा विलेज का खोज मिला है जहां इंसान से लेकर सभी जानवर अंधे हैं। लेकिन वे अंधे पैदा नहीं होते। तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही एक अनोखा विलेज मेक्सिको के टिल्टेपेक रीजन में स्थित है। इस विलेज के लोगों का मानना है कि गांव में लाप्सुएला नाम का एक पेड़ है। उन्हें लगता है कि उस शापित पेड़ की वजह से ही गांव वाले धीरे धीरे अंधे होते जा रहे हैं। लेकिन इस विचार का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
इसके बाद साइंटिफिक टीम इसका कारण ढूंढने के लिए बेताब हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि जंगल से घिरे इस विलेज में ब्लैक फ्लाई नाम की एक जहरीली मक्खी रहती है और इन मक्खियों के वातावरण में जहर फैलने से पूरा गांव अंधा हो रहा है। इस तरह की सेंसेशनल जानकारी गवर्नमेंट तक पहुंचने के बाद विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने गांव को फॉरबिडन घोषित करने और ग्रामीणों को स्थानांतरित करने का फैसला किया। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद कोई भी ग्रामीण इस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें इस गांव से लगाव हो गया है, जिसके चलते ये ग्रामीण सरकारी घोषणा को ठुकराकर हंसते हंसते अंधेपन को स्वीकार कर गांव में रह रहे हैं। भाई, मेरी दो आंखें मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, तो ऐसे में मैं सरकार की बात मान लेता और ये गाँव छोड़कर चला जाता। यदि आप इस स्थिति में होते तो क्या करते, कॉमेंट में बताए। ईगो यानी अहंकार व्यक्ति के पर्सनालिटी का वो भाग जो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि ये इंसान की पार्श्विक इच्छाओं और विवेक के बीच मध्यस्थता करता है। अहंकार आंखों में धूल के समान है, धूल साफ किए बिना हम कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाते। तो सबसे पहले उस धूल यानी अहंकार को साफ करे और फिर दुनिया को देखे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने ये बात सही कही तो इस वीडियो को लाइक करे। भारतीय ट्रेडिशन में हमेशा से पत्नी की उम्र पति से कम होने को अच्छा माना जाता है। हालांकि आप लोगों की सोच बदली है और कई अहम जोड़ियों में वाइफ की एज अधिक देखने को मिलती है। वैसे तो कहा जाता है कि लव इज ब्लाइंड, किस पुरुष के दिल में कौन महिला या फिर किस महिला के दिल में कौन पुरुष अपनी जगह बना ले, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइंस के अनुसार पति पत्नी के बीच उम्र का कितना गैप होना चाहिए। आपको अपना पूरा जीवन सुख और शांति से बिताने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। साइंस में इसके लिए कॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसके मुताबिक जब महिला और पुरुष के शरीर में हार्मोनल चेंज आ जाता है तब वे शारीरिक संबंध के योग्य हो जाते हैं। महिलाओं में ये बदलाव 7 से 13 साल के बीच होने लगता है, वहीं पुरुषों में ये चेंज 9 से 15 साल के बीच होता है। यानी महिलाओं में ये हार्मोनल चेंजेस पुरुषों की तुलना में जल्दी आता है। अपने देश में शारीरिक संबंध बनाने की मिनिमम उम्र भी 18 साल है। इसके साथ ही अपने देश में लीगली शादी की मिनिमम उम्र फिक्स्ड है। लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की एज 21 साल रखा गया है। इस हिसाब से कानूनी तौर पर पति पत्नी की एज में 3 साल के गैप की बात एक्सेप्टेबल है। कुल मिलाकर इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशनली हस्बैंड वाइफ की उम्र के बीच 3 से 5 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो कमेंट में बताएं कि आप दोनों के बीच कितना उम्र का गैप है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोमोज खाना पसंद नहीं होता। मोमो इज वेरी पॉपुलर एज अ स्ट्रीट फूड, लेकिन जो लोग मनमर्जी से मोमोज खा रहे हैं वे अब सावधान हो जाए। ज्यादा मोमो खाने का साइड इफेक्ट आपके जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यह हमारे बॉडी को लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचा सकता है। मोमो में एजोटिक कार्बोनामाइड, क्लोरीनेटिंग, बेंजोइल पेरोक्साइड और अन्य केमिकल्स होते हैं। इन सभी केमिकल की मदद से मोमो का टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन यह हमारे पैनक्रियास को काफी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा मोमो खाने से डायबिटीज भी हो सकती है। मोमोज के साथ परोसी जाने वाली रेड सॉस का सेवन करने से हेमोरॉइड्स का खतरा बढ़ जाता है। अगर मोमो का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो ये ब्रेन के विकास को भी बाधित कर सकता है। साथ ही मोमो बॉडी का फैट भी बढ़ाता है। आजकल लोग दिन भर अपने फोन पर मैसेज टाइप करते रहते हैं। ये बात देखने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आपकी नींद उड़ा सकता है। लंबे समय तक मैसेज टाइप करने से उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो सकता है। अत्यधिक स्मार्टफोन देखना, नींद की प्रॉब्लम, ये अनिद्रा का सबसे आम कारण है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम आपकी आंखों की रोशनी को कम कर सकता है। रिसर्चर ने बताया कि स्मार्टफोन से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जो स्पैम कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकता है। तो आप एक दिन में कितने घंटे अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने माता पिता का ख्याल रखें।